मोटे वाले उस तरफ, पतले वाले इस तरफ, और हेड वाले मेरे पीछे। क्या हो गया पुलिस को समझ? अरे ओ यमराज सेना, यस सर, आधे उधर सर, आधे उधर सर। बाकी ट्विटर की तरह मुझे फॉलो करो। आप लोग जाइए, हम थक गए हैं। ओहो, तुम्हें पता है हम यहाँ क्यों हैं? जी नहीं। तुमसे शादी करनी है हमें? हम शादी नहीं कर सकते। क्यों? बाबा को छोड़ नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ, जब तक तुम्हारे बाबा मरेंगे तुम शादी नहीं करोगे? जब तक ये जिएंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। मेरी माँ ने तुम्हारे लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और तुम्हारे बाबूजी के लिए मैंने। लेकिन क्यों? मेरी तुम्हारी शादी के लिए। मैं शादी नहीं करूंगी। मुझसे या किसी से नहीं करोगी? मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मुझे बाबूजी की देखभाल करनी है। वो मर जाएंगे तब शादी करोगी? उनके जीते जी मैं शादी नहीं करूंगी। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, उस मटकी वाली ने हमारा प्रपोजल रिफ्यूज कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमको अब यहीं रहना पड़ेगा तुम्हारे साथ। खुश हो उमा? माँ तूने भगवान के साथ मिलकर मेरी शादी का अच्छा प्लान बनाया था, पर वो शादी करना नहीं चाहती। फैमिली अटैचमेंट। माँ मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, कुछ बोल। माँ माँ क्या हुआ तुझे? अब जब तक तू बस नहीं बोलेगा मक्खन चंद पांडे पिटता रहेगा। चलो उठो। जितना बोलना था बोल चुका, अब सुन। जब तक ये नहीं बोलेगा तो पीटेगा। मार हमारे बेटे को लगी है, दर्द भी हमारा है, और वैसे भी हम इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मतलब अगर चुलबुल अभी इसी वक्त सबके सामने मक्खन चंद से क्षमा मांग ले तो हम सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हैं। मक्खन चंद पांडे, हमने आपको अपमानित किया है, कान पकड़ के माफी मांगते हैं, क्षमा कर दीजिए हमें। हमारी फैमिली की गांव में बहुत इज्जत है, इसने सबके सामने पीटा है, इसलिए इसको सबके सामने माफी मांगनी ही पड़ेगी। सॉरी। क्या सुना नहीं? सॉरी। मारने नहीं आए भैया, हम आपसे और भाभी से क्षमा मांगने आए हैं। अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमें नहीं पता था कि आम की पेटी में बम था। हम मजबूर थे भैया, हम आपके हाथ जोड़ते। भैया मैं कुछ नहीं जानता, मैंने मंत्री जी को नहीं मारा, चाबुक ने मारा है। मैंने गलत काम किए हैं, मगर किसी की जान नहीं ली। वैसे भी मंत्री जी को मार कर मुझे क्या मिलेगा? मेरा विश्वास करो भैया, मेरा विश्वास करो।